Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start page number 100. Open your books there. Look at here. The Hubble Space Telescope is a satellite that orbits the Earth. Hubble Space Telescope जो है एक satellite है जो ज़मीन के गिर्द घूमती है. It can see further into space than telescopes on the ground. ये जिस तरह ज़मीन से हम टेलीस्कोप के ज़रिए देखते हैं स्पेस में, तो ये इसी तरह स्पेस में देखती हैं. इसमें कैमरे लगे होते हैं जिसमें ये पिक्चर्स लेती हैं और अर्थ की तरफ सेंड करती हैं. स्पेस में जो मौजूद चीज़ें हैं उनकी पिक्चर्स लेती हैं और ज़मीन की तरफ भेजती हैं. Look at here, man-made satellites are also called artificial satellites. जो man-made satellites हैं, इंसानों के बनाए हुए satellites हैं, तो उनको artificial satellites भी कहते हैं. और हमने पढ़ा कि ये about 2,500 satellites हैं. Moon facts. अब चाँद के बारे में कुछ facts आपको बता रहे हैं. The moon orbits Earth in 28 days. मून अर्थ के गिर्द 28 डेज में घूमती हैं, एक चक्कर पूरा करती हैं. द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इन 365 डेज. जो अर्थ हैं वो सन के गिर्द 365 डेज में एक चक्कर पूरा करती हैं. द मून रोटेट्स ऑन इट एक्सिस वंस इन 28 डेज. मून अपने मून खुद एक दफ़ा घूमती है 28 डेज में. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस वंस ऑन 24 आवर्स. और ज़मीन जब खुद घूमती है तो ये एक दफ़ा घूमती है 24 आवर्स में, मतलब कि एक दिन में ये एक दफ़ा घूमती हैं. और मून 28 डेज में एक दफ़ा घूमती हैं. We always see the same side of the moon from the earth. हम हमेशा चाँद का एक ही साइड ज़मीन से देखते हैं, हमें उसका एक ही साइड नज़र आता है. The first photographs of the far side of the moon were taken in 1959 by the Soviet spacecraft Luna 3. सबसे पहले जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे मून के, जो हमसे दूर हैं, मतलब जो साइड हमें नज़र नहीं आता, उसके पिक्चर्स लिए गए थे 1959 ईयर में. सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना, ये उसका ये स्पेसक्राफ्ट हैं, इसके ज़रिए पिक्चर्स लिए गए थे. एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वेज 1/6 इट वेज ऑन द अर्थ. एक चीज़ का वेट अर्थ फिर जितना होता है, तो 1/6 इस तरह आता है उसका वेट. ठीक है. अपोलो 11 USA वाज़ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून इन 1969. अपोलो 11 USA ये स्पेसक्राफ्ट का नेम है. ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जो मून पर लैंड हुआ था 1969 में. द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और मून पर जो सबसे पहले जिसने कदम रखा था तो उसका नेम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है. ये वो आदमी था जो सबसे पहले चांद पर गया था, सबसे पहले चांद पर कदम इसने रखी थी. ठीक है, ये मून के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो आपको बताए गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.